अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलिए आज हम अपना नया सबक शुरू करते हैं, जिंदगी की शुरुआत। अब जिंदगी की शुरुआत है, अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, उस कायनात में एक जमीन बनाई, इतने सैयारे हैं और एक ही सैयारा ऐसा है, एक ही प्लानिट ऐसा है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने जिंदगी को रखा है। हमें वैसे नहीं मालूम, हो सकता है किसी और सैयारे पर भी जिंदगी हो मौजूद, पर जो आसार हैं जिंदगी के वो सिर्फ किस पर हैं? जमीन पर, यानी कि अर्थ पर है। अब जिंदगी बनाई तो अब जिंदगी कैसे वजूद में आई, किस तरह से वजूद में आई? आज हम इस सबक में वही चीज देखेंगे कि अल्लाह ताला ने एक माँ को, एक औरत को माँ के दर्जे पे किस तरह से फाइज करा है, ठीक है, और किस तरह से उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है, किन चीजों से गुजर कर वो एक माँ का दर्जा हासिल करती है, एक नया वजूद जिंदगी में आता है, ठीक है। तो आज हम इस सबक को पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या तब्दीलियां आती हैं एक औरत की जिंदगी में, ठीक है। हमारा सबक है और ये बेसिक चीजें, और अल्लाह ताला ने कुरान में ऑलरेडी इस चीज को बहुत अच्छे से वाजे करा है सूरतों के हवाले से। सूरह हज आयत नंबर, आई थिंक सूरत नंबर 22 है ये, और आयत नंबर है 5। तो इसके अंदर पूरी चीज वाजे कर दी गई है किस तरह से एक नई जिंदगी वजूद में आती है। हम इसके डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, आप इस सब चीजों में जा चुके हैं पहले। इसकी अलामतें क्या क्या हैं थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम मेंसेस पीरियड्स का चेक करें तो वक्त से औरत के जिस्म में क्या आती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं आफ्टर मैरिज, शादी के बाद उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सेम थिंग हैपेंस, सेम थिंग, बिल्कुल यही चीज एक मेल और एक फीमेल दोनों की बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, पर औरत की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उसके जिस्म में जो तब्दीलियां वाकई होती हैं, उन तब्दीलियों में जिस्मानी, हार्मोनी और जज्बाती तब्दीलियां शामिल हैं, ठीक है। तो वो तब्दीलियां हम देखते जाएंगे यहां पर। वी आर स्किपिंग अननेसेसरी टॉपिक्स। अल्लाह ताला ने इस पार्ट को, यानी कि किस तरह से वो वजूद में आता है, उसके कितना टाइम है, वो 9 महीने मां के पास रहता है, यानी कि उसके अंदर रहता है चीज, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, और उसको 3 शेड्यूल्स में डिवाइड करा गया है, 3 3 3 कर डिवाइड करा गया। यू नो प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 मंथ्स की होती है। हर चीज के पीछे अल्लाह की हिकमत है, किस तरह से अंदर के ऑर्गन्स जो हैं उनको अल्लाह ताला डेवलप करता है। कुछ चीजें हमारे जिस्म में आपको बाहर नजर आती हैं, हमारी आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ठीक है, पर कुछ चीजें हमारे अंदर हैं जो इतनी बड़ी मशीनरी अल्लाह ताला अंदर चला रहा है, वो वाले ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं हमारे अंदर। 9 मंथ्स का जो पीरियड है उसको 3 3 कर डिवाइड करा गया है, बांटा गया है। जो पहली सहमाही है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ दिल और फेफड़े जैसे अहम आजा की तश्कील होती है, ठीक है, उसकी तश्कील होती है। और 3 महीने के आखिर में गर्दिशी या दूरी निजाम कभी काम करना शुरू कर देता है। तो ये आपको पता चल गया कौन से इंटरनल ऑर्गन्स काम करना शुरू करते हैं, दिल और फेफड़े, वो बनते हैं, अल्लाह ताला वो बनाता है। उसके बाद 3 to 6 मंथ्स क्या रहता है, जो बेबी होता है, ठीक है, वो पूरा सा बना नहीं होता है, तो उसमें मूवमेंट शुरू होती है, हरकत शुरू होती है उसके अंदर, और उसका एहसास उसकी मां को होता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट मंथ होते हैं 6 to 9 मंथ, आखिर के 6ठे महीने से लेकर 9वें महीने तक, उसमें क्या होता है, तो बच्चा डेवलप होता है, ग्रो होता है, मां की उम्र। इसीलिए शादी की सही उम्र क्या है एक लड़की की, वो हमें दीन बताता है, ठीक है ना। पर यहां पर सही उम्र उन्होंने क्या बताई है, मां की सही उम्र 20 से 35 साल की उम्र तक होती है, ठीक है। अगर उसकी ये उम्र है तो उसमें वो अच्छे से नशोनमा होगी बच्चे की, ठीक है, जिस्मानी और जहनी तौर पर बच्चा कमजोर हो सकता है। कब कमजोर हो सकता है, जब अगर 20 साल से
पहले अगर किसी लेडीज के यहाँ बेबीज होते हैं तो माँ के जरिए ली गई दवाएं, आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको बहुत कम दवाएं दी जाती हैं, तो उनको जो दवा लेनी है क्योंकि वो डायरेक्ट असर किस पे करेगी, बच्चे पे असर करेगी, इसलिए बचा जाता है। अगर उनको कोई बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो गई है प्रेग्नेंट लेडीज को तो वो एक्सरेज भी नहीं करा सकती हैं। नजले खांसी की दवा भी, बुखार की दवा भी बहुत सोच के लेनी पड़ती है उनको, डॉक्टर ऐसे नहीं दे देता है उनको। क्यों? अब उन्होंने कहा है एक्सरे नहीं करा सकते। अल्ट्रासाउंड वो तकनीक है जिसमें आवाज की लहरों का बहुत ज्यादा तवातुर का इस्तेमाल, जो फोइटस होता है यानी कि जो बेबी होता है उसकी नशोनुमा पर असरअंदाज होता है, ठीक है ना, इस वजह से मना करा जाता है। अच्छा, फिर अगर कोई माँ, हम कह सकते हैं अगर कोई माँ मंशियात, एल्कोहल या स्मोकिंग करती है, देखिए यहां पर हिंदुस्तान में, पाकिस्तान वगैरह में इस तरह का रिवाज नहीं है, पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर लेडीज स्मोकिंग करती हैं, दे आर टेकिंग एल्कोहल्स ऑल्सो, तो ये एक बेबी के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर सबसे पहले एडवाइस करते हैं कि आप इस चीज को छोड़ दें, ठीक है। ये वैसे भी एक नॉर्मल बंदे के लिए भी नुकसानदेह है और वैसे भी नुकसानदेह है। जो उसकी एम्पलिकल कॉर्ड है, होती है नाल जो होती है, आपने देखा होगा उसके उसकी जो पेट होता है वहां पर एक तरह का एक नाल होती है। आप जब छोटे बच्चे को कहीं शौक में जाते हैं, आप सुनते हैं नया बेबी आया है तो आप कहते हैं हम भी लेंगे गोद में, हम भी लेंगे, जब जाते हैं तो जो भी बड़ा बूढ़ा वहां मौजूद होता है कहता है बेटा ध्यान से लीजिएगा, वहां टच नहीं कीजिएगा। बच्चे क्यूरियस होते हैं ना, शौक में चेक करते हैं छोटे बच्चों के हाथ पैर, तो ये बहुत डेलिकेट थिंग होती है। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि अब ये न्यू जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें बच्चों की अवल नाल एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो उठाकर यानी कि सेव करके प्रिजर्व करके लोग रखते हैं। क्यों? बाय चांस अगर बच्चा इन फ्यूचर किसी बीमारी का शिकार होता है तो यही उसके इलाज में वो कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? देखिए अभी आ गया आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन कार्ड, ये हर बच्चे को हर हॉस्पिटल से मिलता है, ठीक है। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है और 3 दिन के अंदर अंदर उसके बहुत से इंजेक्शन लगते हैं, बच्चों के टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उसका उन्होंने ड्यूरेशन लिख रखी है, पैदाइश पैदा होते 6 हफ्ते में, 10 हफ्ते में, 14 हफ्ते में, 9 से 12 महीने में, ये 1 साल तक का कार्ड है, राइट। अब यहां पे रोकी जाने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? ये हैं वो बीमारियां जिनसे बच्चों को बचाया जाता है। इब्तदाई टीके कौन से हो गए आपके? BCG, ओरल पोलियो, DPT, तो ये सारी चीजें आपको पूरा चार्ट दे रखा है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके इसी चार्ट से भी आते हैं। चैप्टर इज फिनिश्ड। आज तो हमने क्या सीखा कि किस तरह से एक ह्यूमन बॉडी को अल्लाह ताला ने क्या तरीका बताया है प्रेग्नेंट होने का। अगर आप वो सूरत का हवाला लेंगे, उस सूरत की आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। हमल की अलामतें क्या क्या होती हैं, इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं, वो भी बुक में मेंशन है। उसके बाद फिर आते हैं एक बच्चे की या फोइटस की नशोनुमा कैसे होती है, उसमें अल्लाह ताला किस तरह से तब्दीलियां लाता है, उसको ग्रो कैसे करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हामिल औरत की देखभाल में हमें किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं, उसके खाने का, उसके वजन का, अगर उसको कोई बीमारी हो गई है तो उसकी भी देखभाल करनी है, किस किस चीज से बचाना है उसको और कौन कौन सी दवाएं देनी है, राइट। फिर आ जाते हैं तरह से, इसमें क्वेश्चन है मिडवाइफ वाला, वो जरूर आता है, 101% क्वेश्चन आता है वो वाला। तो किस तरह से जो मिडवाइफ्स हैं वो अपना एक रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, तो इसमें हम किसी ऐसे वैसे को उठा के नहीं लेकर आएंगे या किसी भी छोटे से डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास जाएंगे, गाइनीज के पास जाएंगे जो लेडीज को ट्रीट करना जानती हूं, राइट। देन बच्चे और माँ की पैदाइश के बाद उनकी देखभाल कैसे करनी है, तो वो सारे पॉइंट्स यहां पर मेंशन है। फिर फैमिली की मंसूबाबंदी, उसमें आपके 2 तरह की फैमिली है, छोटी फैमिली हो गई, एक बड़ी फैमिली हो गई। यहां हमें बुक में बताया गया है कि अगर जो छोटी फैमिली है तो माँ बाप जो हैं उसको फुल अटेंशन दे सकते हैं, बच्चे को पूरा वक्त स्पेंड करेंगे, उसके खाने पीने का ख्याल रखेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी दिखाया है हमको, अगर एक बड़ी फैमिली है तो वो जो एक बड़ी फैमिली है तो सारे बच्चों पे इक्वल फोकस नहीं हो पाएगा, उनको सही से तग़ज़ियात नहीं मिल पाएंगे, उनकी सही से ग्रोथ नहीं होगी,
आप फिजिकली भी कह लें, एजुकेशनली भी कह लें, तो किसी तरह से उनकी सही ग्रोथ नहीं होगी। पर ये डिपेंड करता है माँ बाप पर, वो किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश लेके चल रहे हैं। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए, चैप्टर इज क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।